लॉकडाउन में ढाबे और छोटे मोटे रेस्टोरेंट बंद हो जाने से बाहरी राज्यों में काम कर रहे लोगों को खान पान में दिक्कत ना हो, इसके लिए कई संस्थाएं सक्रिय होकर काम कर रही हैं। महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले के कुछ युवाओं ने भी ऐसे लोगों तक भोजन पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है जिनके परिजन अस्पताल में भर्ती हैं या फिर वो आवश्यक सेवा के लिए ड्यूटी पर तैनात हैं। नांदेड़ शहर से करीब 3 किलोमीटर दूर एक खेत में करीब 25 लोग इस काम में लॉकडाउन के बाद से जुटे हैं और अपनी स्कूटी और उपलब्ध वैन से भोजन आपूर्ति का काम कर रहे हैं। खास बात यह है कि इस रसोई को मुख्य जगह से अलग रखा गया है और सेवा देने वाले लोग भी वहीं डेरा जमाए हुए हैं और ना तो वो यहाँ से कहीं जाते हैं और ना किसी को आने देते हैं। हम एक 4,000-5,000 आदमी का यहाँ कम्युनिटी किचन में हम एक भोजन तैयार करते हैं। दवाखाने के मरीजों को बहुत तकलीफ होती है कि वहाँ आते हैं, पैसे वाला भी आता है, गरीब भी आता है, लेकिन उसको समय पे भोजन पानी की बोतल नहीं मिलती है। तो हम हर दवाखाने में खाने के पैकेट सवेरे शाम और नाश्ता और पानी के बॉटल्स हम वहाँ सप्लाई करते हैं उनको। इस सामाजिक रसोई से सबसे बड़ी राहत उन लोगों को मिली है जिनके परिजन यहाँ अस्पताल में भर्ती हैं। तरी तो आपल्याला बाहेर कुठे जेवणाची सोय नसल्यामुळे मैं यहाँ इलाज के लिए भर्ती हूँ। हमें इस संस्था की मदद से भोजन मिल रहा है, हमें अच्छा भोजन मिल रहा है। डबियासा खूब फायदा होयाला सर। हमारी परिस्थिति अच्छी नहीं है। इस तरह के प्रयास से मराठवाड़ा में फंसे कई मरीजों और उनके परिजनों को बहुत राहत मिली है। युवाओं की जिंदा दिली ने नांदेड़ के लोगों का दिल जीत लिया है।